सोमैटो सेंसरी सिस्टम का ये पैरा टॉपिक रहेगा। सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ मिलते हैं? स्किन में, जॉइंट्स में, इन सब जगह पे अपन को सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स मिलते हैं। पहला सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीसनर कार्पसल। मीसनर कार्पसल ये रैपिडली अडैप्टिंग लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर होता है। रैपिडली अडैप्टिंग लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर, ये मैंने कल आपको रैपिडली अडैप्टिंग, स्लोली अडैप्टिंग ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना? ये सब कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये रैपिडली अडैप्टिंग लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर, और इन रैपिडली अडैप्टिंग एंड स्लोली अडैप्टिंग के लिए जो टॉपिक उसमें वीडियो में मिस हो गया था इस प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो में, वो मैं उसके एक छोटी सी वीडियो इससे पहले अपलोड हुई है, आप उसको देखिएगा। उसमें रैपिडली अडैप्टिंग और स्लोली अडैप्टिंग जो मैंने आपको पहले वर्बली बताया था वो उसमें समझाया हुआ है अच्छे से। तो रैपिडली अडैप्टिंग लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर्स होते हैं। रैपिडली अडैप्टिंग लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर्स किस टाइप के रिसेप्टर्स? रैपिडली अडैप्टिंग लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर्स, ठीक है ना? मीसनर कार्पसल सेंसेस फाइन लाइट टच एंड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। मीसनर कार्पसल क्या सेंस करता है? फाइन और लाइट टच एंड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। फाइन और लाइट टच एंड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन और लाइट टच, बहुत जो फाइन टच होता है, हल्का सा टच, और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को मीसनर कार्पोसल सेंस करता है। तो पहली चीज की मीसनर कार्पोसल क्या है? रैपिडली अडैप्टिंग लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर है, ठीक है। मीसनर कार्पोसल सेंस किसको करता है? फाइन या और लाइट टच को, है ना, और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को। और नॉन हेयरी स्किन पे मिलता है ये, किस पे मिलता है? नॉन हेयरी स्किन पे, ध्यान रखना। अच्छा, कौन सा सेंसेशन को एनकोड करता है ये? वेलोसिटी को, वेलोसिटी को, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर एनकोडिंग वेलोसिटी, और ये प्रेजेंट का होता है नॉन हेयरी स्किन पे, ठीक है। अब ये आदमी है ना, देखो, हमेशा अंधा अंधे को कौन सी स्क्रिप्ट अपन पढ़ाते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट, टैक्टाइल स्क्रिप्ट। वो क्या उंगली रख रख के उसको पढ़ता है, अब वो क्या फाइन टच करता है उन वर्ड्स के ऊपर, फाइन टच करता है, ठीक है ना, फाइन टच करता है। तो उससे उसको पता पड़ जाता है वर्ड लिखा हुआ क्या है। तो फाइन टच और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन से अपन अंधा क्या है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो पढ़ते हैं, मतलब जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट जो पढ़ते हैं वो मीसनर कार्पसल की वजह से मीसनर कार्पसल्स की वजह से पढ़ पाते हैं। क्योंकि एक तो रैपिडली अडैप्टिंग और लो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कम चाहिए होता है, फाइन, बिल्कुल फाइन और लाइट टच से भी काम हो जाता है, और रैपिडली अडैप्टिंग फटाफट अडैप्ट करते हैं बिल्कुल। मैक्सिमम एट फिंगर टिप्स एंड लिप्स ड्यू टू मैक्सिमम रिसेप्टर डेंसिटी। मैक्सिमम रिसेप्टर डेंसिटी कहाँ पे होती है? फिंगर टिप्स पे और लिप्स पे, फिंगर टिप्स पे और लिप्स पे मैक्सिमम रिसेप्टर डेंसिटी मिलेगी। और वर्स्ट सेंसेशन बैक पे होता है, फर्स्ट सेंसेशन बैक पे होता है, बैक पे वर्स्ट सेंसेशन रहेगा, वर्स्ट सेंसेशन बैक पे होगा। मैं अब दूसरे की बात करता हूँ, पेसिनियन कार्पसल। पहले में तो अपन ने देखा क्या क्या देखा कि रैपिडली अडैप्टिंग और लो थ्रेशोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। मीसनर कार्पसल सेंस करते हैं फाइन और लाइट टच एंड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। नॉन हेयरी स्किन पे प्रेजेंट रहेंगे एंड इट इज़ यूजफुल फॉर एनकोडिंग वेलोसिटी। ब्रेल स्क्रिप्ट को पढ़ने में काम करते हैं, और फिंगर टिप्स और लिप्स पे मैक्सिमम रिसेप्टर डेंसिटी होती है, और वर्स्ट सेंसेशन जो होता है एट द स्किन ऑफ द बैक होता है। अब मैं पेसिनियन कार्पसल की बात करता हूँ, पेसिनियन कार्पसल सुनना आप ध्यान से, ऑनियन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेसिनियन कार्पसल ऑनियन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सब क्यूटेनियस स्किन में प्रेजेंट होते हैं, सब क्यूटेनियस स्किन में। रैपिडली अडैप्टिंग होते हैं और हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं, और ये सेंस करते हैं प्रेशर इन डीप डर्मिस एंड वाइब्रेशन इन जॉइंट्स को। पेसिनियन कार्पसल्स, तो अपन ने 3 पॉइंट देखे, ऑनियन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सब क्यूटेनियस स्किन में, रैपिडली अडैप्टिंग हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं, और सेंस करते हैं प्रेशर इन डीप डर्मिस एंड वाइब्रेशन इन जॉइंट्स, ठीक है। प्रेशर तो डीप डर्मिस में तो प्रेशर को सेंस करेंगे, डीप डर्मिस में प्रेशर को, जॉइंट्स में वाइब्रेशन को सेंस करेंगे पेसिनियन कार्पसल्स। मेरकल डिस्क की बात करेंगे तो मेरकल डिस्क कहाँ प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। मेरकल डिस्क कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये स्लोली अडैप्टिंग होते हैं, लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब स्लोली अडैप्टिंग एंड लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर्स। इससे पहले जो अपन ने देखा था कि पेसिनियन कार्पसल क्या था, रैपिडली अडैप्टिंग एंड हाई थ्रेशोल्ड, ये स्लोली अडैप्टिंग मतलब रैपिडली का भी उल्टा हो गया और इधर हाई थ्रेशोल्ड का भी उल्टा हो गया कि भाई लो थ्रेशोल्ड टच रिसेप्टर्स।
ये सेंस करता है सस्टेन टच, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, लोकेशन, सस्टेंड टच, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड लोकेशन। मेरकल डिस्क आर बेटर देन मीसनर्स, मीसनर्स से बेटर होते हैं मेरकल डिस्क। क्यों? क्योंकि मेरकल डिस्क की रिसेप्टिव फील्ड छोटी होती है, क्योंकि मेरकल की जो रिसेप्टिव फील्ड होती है वो छोटी होती है, मीसनर की रिसेप्टिव फील्ड बड़ी होती है, ठीक है, तो इसलिए मेरकल फील्ड बेटर होते हैं। अब रूफिनी और क्रॉस एंड बल्ब्स देखेंगे अपन, क्रॉस एंड बल्ब्स। रूफिनी एंडिंग्स जो होता है वो वार्म्थ के लिए होती है, किसके लिए होती है? रूफिनी एंडिंग्स जो होती हैं वो वार्म्थ के लिए होती है, और क्रॉस एंड बल्ब्स किसके लिए होती हैं? कोल्ड के लिए होता है। ये स्लो अडेप्टिंग होती है, स्लो अडेप्टिंग, और जॉइंट में ये प्रोप्रियोसेप्शन बताती हैं, जॉइंट में ये प्रोप्रियोसेप्शन सेंस करते हैं दोनों। और डर्मिस के अंदर सस्टेंड प्रेशर और टेम्परेचर सेंस करते हैं, सस्टेंड प्रेशर और टेम्परेचर, सस्टेंड। अब देखो टेम्परेचर तो करेंगे ही, वार्म्थ और कोल्ड है, तो डर्मिस के अंदर तो टेम्परेचर सेंस करेंगे और अपना सस्टेंड प्रेशर डर्मिस में सेंस करेंगे। अब फ्री नर्व एंडिंग्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेन, टेम्परेचर, इचिंग, सेक्सुअल सेंसेशंस, ये फ्री नर्व एंडिंग्स सेंस करती हैं, ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स। अब पेन क्या है? पेन, पेन सुनना, पेन डिटेक्शन एंड परसेप्शन ऑफ नॉक्सियस स्टिम्यूलाई विद द हेल्प ऑफ नॉसिसेप्टर्स। पेन क्या है? डिटेक्शन एंड परसेप्शन ऑफ नॉक्सियस स्टिम्यूलाई बाय द हेल्प ऑफ नॉसिसेप्टर्स। अब पेन के रिसेप्टर्स क्या क्या हैं? पेन के रिसेप्टर्स हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं विसरा स्किन और मसल्स के अंदर, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं विसरा स्किन और मसल्स के अंदर, ठीक है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है नॉसिसेप्टर्स के लिए, रिसेप्टर्स कौन से हैं पेन के लिए? नॉसिसेप्टर्स, ठीक है, तो नॉसिसेप्टर्स के लिए न्यूरोट्रांसमीटर भी तो होना चाहिए, न्यूरो ट्रांसमीटर है सब्सटेंस भी। अब जो ओपियोइड्स, जो ओपियोइड्स जो पेन कम करने के लिए लोग लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? क्योंकि सब्सटेंस पी के रिलीज को रोक देती है, सब्सटेंस पी के रिलीज को ये रोक देती है, तो सब्सटेंस पी अगर निकलेगा ही नहीं तो अपने रिसेप्टर बाइंड करेगा ही नहीं, इसलिए ओपियोइड्स का जो तरीका है पेन को कम करने का वो ऐसे ही होता है, पेन रिलीफ का यही तरीका है। अच्छा, कौन कौन से फाइबर्स फास्ट पेन के लिए होते हैं और कौन कौन से फाइबर्स स्लो पेन के लिए होते हैं अपन वो देखेंगे। मैंने आपको अर्लिंगर गैसर क्लासिफिकेशन में पिछली वीडियो में बताया था कि फास्ट पेन इज कैरेड बाय ग्रुप थ्री फाइबर्स एंड स्लो पेन इज कैरेड बाय सी फाइबर्स। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरा अर्लिंगर कैसे क्लासिफिकेशन में पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। तो फास्ट पेन और स्लो पेन, फास्ट पेन किससे? ग्रुप थ्री फाइबर से, और स्लो पेन किससे? सी फाइबर से। रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन डर्मेटोम रूल फॉलो करता है, डर्मेटोम्स की वजह से, ये आपका एनाटॉमी का टॉपिक है, ये एनाटॉमी में कवर किया जाएगा। अब पेन और इचिंग में क्या क्या फर्क होता है सुनना। पेन तो क्या होता है? पेन मीन्स सिर्फ पेन, सिर्फ दर्द, तो प्योर सेंसेशन होता है। इचिंग मिक्स सेंसेशन होता है, पेन के अलावा और भी सेंसेशंस होते हैं इसके अंदर, तो मिक्स सेंसेशन होती है इचिंग। पेन, पेन किसकी वजह से होता है? सब्सटेंस पी की वजह से, मैंने आपको बताया था अभी ओपोइड्स की, ओपियोइड्स का बारे में भी बताया। और इचिंग किसकी किसकी वजह से होता है? हिस्टामिन की वजह से, इरिटेशन, इरिटेशन क्या? हिस्टामिन, हिस्टामिन की वजह से, ठीक है। पेन किसके किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंजुरी, एंड इचिंग इज ड्यू टू इरिटेंट्स, इचिंग इज ड्यू टू इरिटेंट्स। और अपन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रेन और विसरा में एब्सेंट होते हैं, और पेन रिसेप्टर्स पे, अब आप लोग ही सोचोगे भाई विसरा में अगर रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं तो विसरा में दर्द कैसे होता है? दर्द ऐसे होता है क्योंकि उसकी आउटर कवरिंग जो होती है विसरा की, उसमें दर्द होता है। तो पेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन स्किन पैसेजेस एंड आउटर कवरिंग ऑफ विसरा, आउटर कवरिंग ऑफ विसरा जैसे लिवर कैप्सूल, प्लूरा, पेरिकार्डियम एक्सेट्रा। तो ये आज का अपना टॉपिक, ये आज का वीडियो खत्म हुआ है। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दे रखा है, टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालें।